ये तस्वीरां गुरदासपुर तो सामने आ रही ने जिथे कुछ शरारती अंसरां दे वल्लों जिहड़े जन्माष्टमी मौके पोस्टर जिहड़े पाड़ दिते गए ते जिस तो बाद लोकां दे वल्लों हंगामा किया गया ते जिस नूं लै के कुछ लोकां दे वल्लों इह गल कही गई है कि अद्धी रात नूं इक व्यक्ति नूं फड़िया ते जिस दे वल्लों शरेआम जिहड़े पोस्टर पाड़े जा रहे सी ते उत्थे ही उस व्यक्ति नूं मौके ते काबू करके पुलिस दे हवाले कर दिता ते पुलिस नूं सारी जानकारी जिहड़ी दित्ती गई ते जिस तो बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई है जिहड़ी शुरू कर दी है। अज का मसला तो मुद्दा यह है जी कि दोपहर का 6 तरीक न गुरदासपुर जन्माष्टमी बड़े धूमधाम नाल मनाई जा रही है कद्दा वाली मंडी च। साडी सनातन चेतना मंच एक संस्था जिहड़ी कि हर साल जन्माष्टमी बहुत धूमधाम नाल मनाउंदी आ ते इस बार भी उहदी तैयारी चल रही। उस तैयारी के तहत शहर के विच बोर्ड फ्लैक्स बोर्ड और पोस्टर लाए गए जिहड़े कि पोस्टरों के उत्ते असी एक पंजाब पुलिस के ऑफिसर का और एक लोकल अपने लीडर का नाम लिखा। वो जिहड़े पोल वाले छोटे बोर्ड सी उहदे ते फोटो लगी सीगी जिहड़े जिहड़े बंदे जिहड़े जिहड़े सानू संस्था के मैंबर ने जिहड़े बंदे संस्था नू सपोर्ट कर रहे ने उन्हां सारे भरावां दा सहयोगकर्तावां दा फोटो लाई सी। अज दुपहर नू 3 बजे कमेटी घर के बंदे ने वो कहिंदा सो कॉल्ड मैं कमेटी घर देवां है कि नहीं ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। उन्हें वो बोर्ड लाए उन्होंने लांदे फड़िया वो तो तकरार हुई दरखास्त दित्ती वो फरार हो गया। फिर बोर्ड लग गए राती सानू के सूत्र ने दस्या कि करीब 8-8:30 बजे नाल कि साडे यूनीपोल जिहड़े जहाज चौंक रेलवे स्टेशन दे गवर्नमेंट कॉलेज रोड से लगे सी होर भी शहर च फिश पार्क से लगे ही वो साडे यूनीपोल भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के यूनीपोल वो पाड़ दिते गए। उस तो बाद साडे संस्था के मैंबर नाल मेरे विकास जी साडे प्रधान ने असी गए फिश पार्क जाके असी एक बंदा फड़िया जिहड़ा कि उन्हूं बड़ी बेअदबी नाल जमीन से उन्हूं पाड़ रहा सी। उन्हूं असी फड़ लिया फड़न तो बाद पुलिस नूं हवाले करता। असी सारे संस्था के मैंबर सारे गुरदासपुर शहर वासी वो इत्थे इकट्ठे होए ने वो यह मंग करते पुलिस को कि जिहड़ा भी बंदा इस एपीसोड दे विच बिहाइंड द कर्टन पर्दे दे पिछे भी नाल आ उन्हूं भी दोषी करार दे के गिरफ्तार किया जाए FIR की जाए और रेस्ट पाई जाए। जय हिंद। जिहड़े बंदे साडे हायर किए थे बोर्ड लगाते पे सी उन्होंने ना रोकया गया बोर्ड लगा तो जो साडे यूनीपोल से उतारे गए दुपहरी जहाज चौंक चो हाँ इन्होंने फड़िया बोर्ड एक जिहड़ा लड़का फड़िया वो रात को ही शाम को 8 बजे करीब फिश पार्क गए थे देखने से अपना बोर्ड वो बोर्ड में उतारे दा सी पैरों से रुलता पाया बोर्ड तो उन्होंने कहा कि बोर्ड कहने उतारा कहते सू बोर्ड उतारने के उपरों ऑर्डर आए हैं तो अभी बोर्ड उतारे तो सामने PCR वाले खोते से उन्होंने कहा गया इन बंद फड़ के थाने लो ये नहीं पता ये धनबाद जी उन्होंने पुलिस पुछना पैना सारी जथेबंद इकट्ठी हुई धार्मिक मसला धार्मिक मसला ही है जी। जन्माष्टमी का प्रोग्राम पिछले 4 महीनों ही करते पे तैयारी वो 6 तरीक में जन्माष्टमी का प्रोग्राम है कदाली मंडी वो उपलक्ष्य अभी बोर्ड लगवाए थे लोगों को जानकारी देने लगी कि प्रोग्राम है पिछले साल ही प्रोग्राम किया उस प्लेस से ये शरारत किने की है ये तहत प्रशासन जाए पुलिस अफसर जान तो सानू इंसाफ मिले बोर्ड अज लगभग दोपहरे मैं अनु गंडोत्रा है साढ़े इतों के अच्छे मेरे दोस्त ने उन्हों का फोन आया सगा कि असी जन्माष्टमी का जो त्यौहार है बड़े धूमधाम ना मनाना है और अदा प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया हो परंतु कोई व्यक्ति है जिन्हें साढ़े जोड़े बोर्ड लगे से वह फाड़ दते हैं उन्होंने कंप्लेट जी है पुलिस थाना सिटी के जी है वह लॉन्च करवा दी सी परंतु मैं दो पासे मैं गल करूँगा। इस पासे एक तो हिंदुओं जो है डिमोरलाइज किया जाता इस तरह ही कर करके जो हरकत होंगे पीया दूसरा मैं समझ नहीं आती कि जो हिंदुओं की कोई कंप्लेट जाती है उन्होंने सीरीयसली क्यों नहीं लिया जाता। अगर दोपहर जी सब कुछ सगा उन्होंने अंदेशा सगा कि फिर दोबारा होएगा तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। थाना सिटी की गल कर रहा मैं और इस अलावा मैं इन्ना जरूर कहना चाहवागा कि बार बार जरा हिंदुओं उकसाया जा रहा वह कारण मैं नहीं समझ आता पै की है परंतु असी फिर भी ठहरा दे असी फिर भी शांत हाँ परंतु जिस तरह की हरकत हो रही हैं मैनू नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक भाव शांत रह सकेंगे
कभी मेवात के शोभा यात्रा के हमला हों पे कभी साढ़े बोर्ड फाड़े जा रहे हैं जिसे भगवान कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है होर भी गणमान्य व्यक्तियों की फोटो लगिया हुई हैं और मैं समझ नहीं आ रही कि क्यों किया जा रहा है। अंडरस्टूड है, देखा जाए क्लीयर कट है कि यह जानबूझ के गुरदासपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर बैल्ट है, पता है कि इतने अगर माहौल खराब होता है तो बहुत दूर तक जाएगा। सो मैं चेतावनी दे रहा पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को, चाहे बुरा मनो जो कुछ मर्जी करो, परंतु हिंदुओं को उकसाना बंद कर दो, उन्होंने छेड़ना बंद कर दो, नहीं तो ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बुरे निकलेंगे। बाद में जो असी किसी को माफिया मंगवानी है, कुछ करनी है, उन्होंने पहला ही कंट्रोल क्यों ना कर लिया जाए। और मैं इन्ना जरूर कहना तुहाडे माध्यम दा एक मंग जरूर करांगा कि जो भी कोई हिंदू इस चीज़ की मंग करता है कि उन्होंने फेवर किया जाए तो उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने सीरीयसली लिया जाए। हमेशा तो इदा होंदा है कि जो कोई हिंदू कोई कंप्लेंट करता है उन्होंने नकार दिता जाता है। सो फिलहाल तो सिर्फ एक चेतावनी है, परंतु ये कदों उग्र बन जाएगी ये जल्दी पता लग जाएगा। जे अज यह कार्रवाई नहीं होंगी, हार्डली 5 या 10 मिनट के कार्रवाई नहीं होंगी तो सैकेंड एक्शन जो है वो थोड़ा विकराल हो सकता है।